नेत्र के लिए। शिव महापुराण की कथा कर रही महाराज, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है और शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में उत्तर के भाग में जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसका नाम हमने पहले भी कहा अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो जहां जलाधारी है, जहां से पानी बहता है, उसके बीच में जो एक लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। बहुत ध्यान से सुनना मारे कथा। और अभी तक शायद टीवी पर यह क्रम मिला भी नहीं होगा जो क्रम आज वर्णित किया जाए। अब शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है अशोक सुंदरी का, वहां पर आपको शहद की 7 बिंदी रखना है। और जो ये शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, यहां बैठे हो ना आप दक्षिण में, तो यहां बैठे हो तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पे आपको चंदन का लेपन करना। माना शिवलिंग के पीछे के भाग में अर्थात जहां आप बैठे हो, पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहां आप बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको चंदन का लेपन करना है। एक पीला चंदन होता है और एक लाल चंदन होता है। लाल चंदन कभी आप किराने वाले की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आपको लाल चंदन प्राप्त हो जाएगा। आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन करना है। आपको पहले भी कथा में बताया कि शंकर भगवान को कुंकू नहीं चढ़ता, रोली नहीं चढ़ती, क्योंकि बाबा को अगर चढ़ता है तो लाल चंदन चढ़ता है। तो लाल चंदन का आप जब लेपन कर दें, लेपन करने के बाद शहद की 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। महाराज रखने के बाद बाबा से विनती करना है और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है। लगाने के बाद उसी बिंदी को आपको एक कटोरी में, अब बिंदी कितनी लगेगी, जरा जरा सा शहद लगेगा, उसको छोटी सी कटोरी में लेकर आ जाना है महाराज। उसको लाने के बाद में शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत, प्रदोष काल किसको कहा गया, सूर्य अस्त जब होता है, सूर्य अस्त के समय से 1.25 घंटे का जो समय वर्णित किया गया वो प्रदोष काल का वर्णन किया गया महाराज। तो उस समय पर नैनों में उसको काजल जैसा लगाना है और ऊपर की ओर देखना है। लगभग लगभग 1 मिनट देख लिया, 1.5 मिनट देख लिया, बहुत है उतना, बहुत काजल जैसा लगा। एक कटोरी में जो तुमने चंदन लगाया है उस चंदन को निकाल कर लाना है और आंखों के नीचे भाग में उसको समर्पित करना है महाराज। ये 2-3 चीजों में काम आता है। एक तो नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, जो चश्मे वाले नंबर है उसको उतारने के लिए, दूसरा नेत्रों के नीचे जो कालापन आ जाता है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है महाराज। तीसरा इस शहद का प्रयोग नारी के जो रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, नारी के रजो धर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये शहद काम आता है महाराज। इस शहद का केवल प्रदोष काल के समय इसको चाट लिया जाता है तो उससे भी नारी के जो रजो धर्म से जुड़े हुए प्रॉब्लम होती है उसमें भी उसको अंतर आ जाता है। तो हाटकेश्वर महादेव और दूसरा जम के बोलिए चंपेश्वर महादेव, इसका स्मरण आपको करना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए समय समय पर गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय लेकर आते रहेंगे जिसको करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।